मामा साइकिल के पैसे भिजवाता है, पहली से लेकर बारहवीं तक की किताबें भी बेटा और बेटियों तुम्हें थोड़ी खरीदने देता है, माता पिता को नहीं खरीदने देता। मामा मुख्यमंत्री है, मैं भिजवाने का काम करता हूं सरकारी स्कूलों में। बेटियां बारहवीं में अगर प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, 60% नंबर लेके आए तो गांव की बेटी कहलाती है, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5000 रुपया और पाती है। और बड़ी हो जाए तो बेटियों की शादी की चिंता भी मत करना। अलीराजपुर वालों, स्वर्णवा वालों, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई है, मैंने 50% रिजर्वेशन दे दिया कि 50% सीटों पे केवल बहनें और बेटियां लड़ेगी, वहां भाई नहीं लड़ सकते। तो 50% बेटियां जनपद अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, पार्षद सरपंच है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है। और अब एक काम और किया है बहनों, अभी तक तो शिक्षकों की नौकरी में मेरी बेटियों 50% भर्ती बेटियों की होती थी, अब तय कर रहा हूं मैं कि पुलिस में भी 33% भर्ती बेटियों की करेंगे। बेटियों के हाथ में डंडे देंगे तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगाने का काम हमारी बेटियां ढंग से कर पाएंगी। आप लोगों ने कहा था अलीराजपुर में नर्मदा जी का पानी ले आओ, अगर इन खेतों में नर्मदा मैया का पानी आ जाए तो हमारा आदिवासी किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, मेहनत में हमारा ये किसान कोई कसर नहीं छोड़ेगा भाई साहब। लेकिन ऊंची नीची जमीन है, पहाड़ है, टीले हैं, इन पर बने खेत है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेहनत कर करके हम मर जाते हैं लेकिन अच्छी फसल पैदा नहीं कर पाते हैं। नर्मदा मैया का पानी यहाँ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे दोनों अफसर बैठे, हमने इनको लगाया, कोई हर संभव प्रयास करो कैसे नर्मदा जी का पानी हम अलीराजपुर जिले में लेके आए। नहर बना के पानी नहीं ला सकते थे, नहर का पानी नहीं आ सकता था यार, क्योंकि बीच में पहाड़, ऊंची जमीन, नीची जमीन, तो नहर का पानी तो आ ही नहीं सकता था। और इसलिए हमारी टीम ने यहाँ को सर्वे किया, पूरा अपना दिमाग लगाया और ये तय किया, जरा ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, नहर बना के पानी नहीं ला रहे हम तो पाइप लाइन बिछा रहे हैं। जिस दिन ये पानी तुम्हारे खेतों में, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 साल में हमारी कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें, 2 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की हम जी जान लगा देंगे।